हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्शन बी ऑफ पार्ट वन वीडियो ऑफ चैप्टर डेटा हैंडलिंग। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि क्या रॉ डेटा होता है, तो उसी रॉ डेटा पे आगे हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग रॉ डेटा को समझना हो या डेटा जो हमने कलेक्ट किए हों उनको प्रॉपरली हमें देखना हो, एक किसी पर्टिकुलर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैस करनी है, तो उसको हम लोग सबसे पहले किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में हम लोग उसको रखते हैं। सो नाउ फॉर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हम उसको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं, देन दैट डेटा इज टू बी कॉल्ड इन एज अ एरे। उसको हम लोग एरे तब उसके बाद से जानते हैं। सो व्हाट इज एरे एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे? सो अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। तो किसी भी जो न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ फैक्ट्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, देन इट इज कॉल्ड एन एरे। ओके, सो ये हमारा जो हमने एग्जाम्पल इससे प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल लिया था, तो उसी को मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो उसको मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया हूँ जो कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2, 3, 5, 5, 6 है और 19 तक गया है। तो इससे हम लोग कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ग्रैस कर सकते हैं कि 5 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हैं, 8 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हैं, 18 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे हैं, तो ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन ग्रैस कर सकते हैं यहाँ से। एंड वॉट इज रेंज? तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स द रेंज ऑफ द डेटा। तो आप किसी भी डेटा को देखोगे तो उसमें कोई ना कोई हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा ही, और जाहिर सी बात है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ही होगा जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही हो, ठीक है? तो उन्हीं का डिफरेंस पता करना होता है रेंज कहलाता है। तो द मैथमेटिकली वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब हम एबव एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एबव एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे जो आपका लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 है, एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 19। सो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में और इसका रेंज निकालते हैं एबव एग्जाम्पल का, तो रेंज इज इक्वल टू 19 माइनस 2 इज इक्वल टू 17। तो इस जो एबव एग्जाम्पल था जिसका हमने डेटा लिया था, जिसको हमने रॉन ग्रुप डेटा के लिए एग्जाम्पल लिया था, फिर एरे के एग्जाम्पल में उसको कन्वर्ट भी किया था, और फिर रेंज में उसको उसका रेंज कितना आया, 17 आया। नाउ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हर मैं हम लोग जब भी किसी डेटा को देखते हैं तो उसमें कोई टर्म जो होता है आपका कई टाइम्स रिपीट करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? सपोज जैसे यहाँ 5 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हैं, 8 मार्क्स पाने वाले भी 2 बच्चे हैं, तो 8 क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड 18 मार्क्स पाने वाले भी 2 बच्चे हैं। तो कोई पर्टिकुलर डेटा कितने क्या कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है? एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं। दैट इन द एवब एग्जाम्पल 18 मार्क्स आर ऑप्टेंड बाय 4 स्टूडेंट्स, 18 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने ऑप्टेन किया है, तो यानी कि जो आपका 18 ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, हेंस द ऑब्जर्वेशन 18 ऑब्जर्वेशन इज हैज अ फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 4, या फ्रिक्वेंसी ऑफ 18 मार्क्स इज 4। तो ये था हमारा फ्रिक्वेंसी